आज हम बात करेंगे स्टोकास्टिक्स के दो फैंटास्टिक फीचर के बारे में। एक तो इसे सही तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाता है और दूसरा इसकी मदद से मार्केट के फ्यूचर रिवर्सल कैसे एंटिसिपेट किए जाते हैं। एंड लास्टली आई विल टेक यू टू माय चार्ट एंड शो यू हाउ एग्जैक्टली इट इज डन इन रियल लाइफ विथ अ रियल ट्रेड। स्टे ट्यून्ड। हाय गाइस, मैं अमित आप सभी का managetrading.com के इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। हर रोज की तरह आज भी मैं आप में से एक दोस्त का सवाल लेके उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा एंड आई होप उसे बाकी सभी का फायदा हो जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। आज का हमारा सवाल पूछा है समीर ने और वो पूछते हैं, हाय अमित, आई यूज स्टोकास्टिक्स, समटाइम्स इट वर्क्स लाइक अ मैजिक बट मेनी टाइम्स इट डू नॉट वर्क एट ऑल व्हिच कॉजेस लिटिल लॉसेस। इन फैक्ट कुड यू टेल मी व्हाट इज करेक्ट वे टू यूज इट। Thank you, Samir. I think this is a great question. There are a couple of things that you must know. But before going there, firstly, in short, we'll see what actually stochastics is. By definition, stochastics एक ऐसा इंडिकेटर है जिसके मदद से मार्केट की ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन्स मेजर की जाती है। अब ये ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन्स क्या होती है? देखो, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। हमें पता है कि प्राइस कभी स्ट्रेट लाइन में नहीं ट्रैवल करती बल्कि वो वेव फॉर्म्स में ट्रैवल करती है। चार्ट के राइट साइड में प्राइस और नीचे टाइम होता है। ये पूरा खेल है ना सप्लाई एंड डिमांड पर डिपेंड करता है। जैसे ही प्राइस नीचे आती है डिमांड बढ़ जाती है और जैसे डिमांड बढ़ जाती है प्राइस बढ़ने लगती है। फिर जब प्राइस बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली डिमांड कम हो जाती है और एज अ रिजल्ट प्राइस भी ड्रॉप हो जाती है। इस जगह पे जहाँ प्राइस नीचे है उसे कहते हैं ओवरसोल्ड जोन और यहाँ जब प्राइस बढ़ जाती है उसे कहते हैं ओवरबॉट जोन। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है पर स्टोकास्टिक्स यही बात आसान कर देता है। अगर मैं दूसरे लफ्ज में कहूँ तो स्टोकास्टिक्स हमें स्ट्रॉन्ग क्लू देता है कि प्राइस कभी यू टर्न लेने वाली है। लो, यही बात मैं अभी आपको रियल चार्ट पे दिखाता हूँ। यह है केन इंडिया का डेली चार्ट, क्वालिटी स्टॉक्स फ्रॉम वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जी सेक्टर, वेरी बुलिश फ्रॉम मोर देन अ ईयर। यहाँ नीचे प्राइस है और यहाँ ऊपर स्टोकास्टिक। रिमेम्बर, स्टोकास्टिक्स ऑलवेज स्केल बिटवीन 0 to 100। ये जो यहाँ पिंक कलर के रिबन शेप पट्टी है उसका टॉप इंडिकेट करता है कि 80 की लेवल है और ये बॉटम इंडिकेट करता है कि ये 20 की लेवल है। अभी जरा बड़े ध्यान से सुनना, स्टोकास्टिक्स की ये दोनों लाइन जब भी 80 की लेवल क्रॉस करके ऊपर जाती है ना तो उसे कहते हैं ओवरबॉट जोन। और वैसे ही जब स्टोकास्टिक्स की दोनों लाइनें एक साथ 20 की लेवल के नीचे आ जाती है तब उसे कहेंगे ओवरसोल्ड जोन। सो एज अ रूल ऑफ थंब, वी बाय व्हेन द मार्केट इज ओवरसोल्ड एंड सेल व्हेन मार्केट इज ओवरबॉट। तो हमने ये देख लिया कि स्टोकास्टिक्स क्या है और उसे कैसे यूज करते हैं। अब हम चलते हैं समीर के क्वेश्चन की तरफ जो कि था व्हाई इट इज समटाइम वर्क्स एंड समटाइम डोंट। राज की बात यह है कि हमें सिर्फ स्टोकास्टिक्स के भरोसे कभी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। बिलीव मी इट्स ट्रू। हमें क्या करना है कि स्टोकास्टिक्स के साथ बाकी कुछ इंडिकेटर्स को मिला देना है। व्हाट आई यूज इज अ 5 इंडिकेटर सिस्टम जिसमें से एक स्टोकास्टिक्स है। जब भी मैं कोई स्टॉक बाय करता हूं तो ये देखता हूं कि मेरा स्टॉक 100 मूविंग एवरेज के ऊपर ही हो क्योंकि 100 SMA ट्रेंड डिसाइड करता है। फिर क्या स्टोकास्टिक्स ओवरसोल्ड जोन में है? क्या कोई दूसरा छोटा वाला मूविंग एवरेज जैसे मैंने यहां पे 50 का मूविंग एवरेज डाल दिया है, क्या ये प्राइस इसे होल्ड कर रही है? क्या ये पर्टिकुलर प्राइस पे कोई सपोर्ट है? 5 इंडिकेटर में से अगर 3 का भी जवाब हां है तो वो बन जाता है मेरा हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाला स्टॉक। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 5 इंडिकेटर वाले वीडियो के लिंक और मूविंग एवरेज से ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन वाले वीडियो के लिंक मिल जाएगी। बहुत पावरफुल टेक्निक है, मैं चाहता हूं कि आप वो जरूर जरूर देखना। These highest probability setups are the ultimate areas where I want to get in, and once price starts to move forward in my direction, I get out with discipline at my target price. Guys, it's all about one good trade at a time, and once it's over, all we have to do is search for next stock. It's very easy. चलो मैं आपको एक और स्टॉक दिखाता हूँ। ये टाटा मोटर्स का 30 मिनट चार्ट, really nice and very textbook kind of high probability setups. स्टॉक काफी समय से अपट्रेंड में था। हर बार जब भी स्टोकास्टिक्स ओवरबॉट जोन में आ गया, आई वेटेड फॉर प्राइस टू कम डाउन इन ओवरसोल्ड जोन। जैसे ही वो आया मैंने ट्रेड ले लिया। आई एम टेलिंग यू गाइस, मार्केट में पैटर्न्स ओवर एंड ओवर रिपीट ही होते रहते हैं एंड एज अ ट्रेडर हमें बस इसी मौके का इंतजार करना होता है। मुझे बहुत खुशी होगी दोस्तों अगर आप नीचे कमेंट्स में मुझे समीर के सवाल के बारे में आपकी राय बताएं। आप अगर स्टोकास्टिक्स या तो उसके जैसे ही कोई दूसरे इंडिकेटर्स यूज करते हो तो आपने ये वाली प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की है? क्या एडवाइस आप देना चाहोगे? प्लीज डू राइट मी इन कमेंट्स बिलो और इवन बेटर सेंड मी अ मेल डायरेक्टली इनटू माय मेल बॉक्स। सो थैंक यू गाइस फॉर लॉट्स ऑफ सपोर्ट एंड कमेंट्स। अगर आप ऑलरेडी मेंबर हो तो वेबसाइट पर जाके लॉग इन करिएगा। कल के लिए स्टॉक की एक लिस्ट
बेस्ड उनके स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट के साथ मैंने अपलोड कर दी है। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हो तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ हम हर रोज एक सवाल लेकर उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे टिप्स आइडिया शेयर करते हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर बींग पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी। सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू टुमारो। गुड बाय एंड टेक केयर।